2020 के ओलंपिक खेल वर्तमान में टोक्यो जापान में आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया सेमीफाइनल में पहुंचे। जहां उन्हें कजाकिस्तान के नूरिस्लाम सनेव के खिलाफ खेलना था। यह एक कड़ा मुकाबला था और सनेव आगे थे। दया ने उम्मीद नहीं छोड़ी और जोरदार मुकाबला किया। एक बार दया ने सनेव को नीचे पछाड़ दिया था। सनेव ने उसे धक्का देने की बहुत कोशिश की और फिर उसने दया को ऊपरी बांह पर काट लिया। फिर भी दया ने उसे नहीं छोड़ा। दया ने जीत हासिल की और अब फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। वह सुशील कुमार के बाद ओलंपिक में फाइनल के लिए क्वालिफाई होने वाले दूसरे भारतीय पहलवान हैं। सुशील कुमार 2012 के लंदन ओलंपिक के फाइनल में क्वालिफाई हुए थे। फाइनल में अब दया का सामना 5 अगस्त को रूस के जोर युगेव से होगा। अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। दया संभावित रूप से भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिला सकते हैं। नवीनतम खबरों में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। टीम 41 साल बाद पदक जीतकर बेहद खुश थी।